सब्सक्राइब कीजिए देवा सिलोनिया चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों मेरे हाथ में ये बोया का ओमी डायरेक्शनल माइक जो कि मैंने ऑर्डर किया था अभी 3 दिन पहले, तो ये आ गया है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने मंगाया सिर्फ जो मैं अभी ईयरफोन यूज करता था, तो मैंने ये चेंज करने के लिए थोड़ी बेटर वॉइस की क्वालिटी के लिए, जिससे कि आपको बातें सही से समझ आए, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया है। चलो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि क्या है इसके अंदर और क्या क्या इसके फीचर और वॉइस क्वालिटी कैसी है। तो चलो शुरू करते हैं, इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके सुपर साउंड बोर्ड प्रेजेंटेशन एंड वॉइस रिकॉर्डिंग, ये पैकिंग है इसकी। पैकिंग तो इसकी कुछ सही लग रही है। अभी देखते हैं खोल के इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। और ये इसके साथ मिला हुआ है, इसके अंदर एक बटन है माइक के अंदर, वो उसके लिए भी मिला हुआ है कि वो कैसे कैसे यूज करना है। इसका वो जैक है और इसके अंदर ये इसकी बटन है और पैकिंग इसकी काफी सही लगी मेरे को। इसका सेल ये वो बटन है जिसके लिए वाला कार्ड स्पेशल नोटिस कर दिया गया है। ये इसके अंदर एक बटन है इसके अंदर। देखते हैं इसकी आवाज कैसी है और ये कैसे कैसे काम करेगा। तो हम उसके लिए इसको एक बार ओपन करके इसमें वायर डाल लेते हैं। वायर डालने के बाद हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। इसके अंदर एक रबर है, रबर ने इसमें माइक डाल दिया है। इसकी वायर काफी लंबी है, ये इसके लिए सही भी है और यही इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है और यही इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। तो पहले हम इसमें इसका कवर है माइक का, इसको लगा देते हैं माइक के कवर को माइक के ऊपर। ये इसकी क्लिप जो कि यहाँ पे लगाने के लिए हमारा ये यूज होगा क्लिप, तो ये वही क्लिप है। ये वायर इसकी काफी है, काफी दूर तक आप इससे वीडियो आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो अभी हम अब तक जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है मेरे जय सैमसंग का मेरा है माइक्रोफोन, इससे हो रही है। अब मैं इसको चेंज करके इससे इसकी वॉइस स्टार्ट करता हूँ चेक करने के लिए इससे हमारी कैसे वॉइस आती है। और अभी इस टाइम की वीडियो में इसे शूट करने वाला हूँ। तो अभी आप देख ही रहे हो कि ये माइक्रोफोन मेरे यहाँ पे लगा हुआ है फोन के टी शर्ट के कवर पे। तो वो ऐसा कि जो ये माइक्रोफोन है मेरे फोन, मेरा जो फोन है रेडमी नोट 5 प्रो, उसके जो फोन का इंटरनल कैमरा है जो इनबिल्ट कैमरा है उसमें ये माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है। अभी मैंने ये कोई ऐप
जो थी जिसका वीडियो कैमरा मैंने यूज़ किया उसके अंदर मैंने जब ये यूज़ करके देखा तो मुझे पता लगा कि उसके अंदर ये काम कर रहा है, डायरेक्ट फ़ोन में ये काम नहीं कर रहा है। तो और ऊपर से इसका जो ये वाला जो है बटन यहाँ पे जो दिया गया है कैमरा कोडर्स और स्मार्टफोन के लिए, तो ये जाम है। तो अभी मैं इसको रिटर्न करूँगा और इसके बदले में दूसरा मंगाऊँगा और इस ऐप के ज़रिए ही मैं इसको यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक बार ऑर्डर किया था तो तब भी मेरा आया था माइक्रोफोन, तो तब भी वो काम नहीं किया था। वो मे भी हो सकता है इस फ़ोन के साथ ये डायरेक्ट इसकी ऐप में ना, जो इनबिल्ट कैमरा उसमें ना काम करता हो, तो मैं अभी इसको रिटर्न करके, क्योंकि मेरे को इसकी क्वालिटी सही लगी है, इसकी वॉइस क्वालिटी आप सुनी रहे हो, अब ये इसकी वॉइस क्वालिटी से यूज़ हो रही है। और दूसरा इसकी जो वायर है वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी इन फ्यूचर जब मैं कुछ करूँगा, तो मेरे को ये कैमरा सही लगा। बाकी आप बताएं कमेंट करके कि आपको ये, मेरे को ये कैमरा रखना चाहिए या रिटर्न करना चाहिए। अभी मेरे पास टाइम है 10 दिन का, 10 दिन की रिप्लेसमेंट वारंटी होती है इसकी, तो आपको जो ठीक लगे आप मेरे को बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।